सुबह 8 बजे से जुड़िए बिस्तक के साथ, बताएंगे बजट की हर छोटी बड़ी बात, टैक्स का आपकी जेब पर क्या होगा असर, देंगे बाजार में पैसे बनाने का गुरु मंत्र, क्या होगा सस्ता क्या महंगा, होगी आपकी काम की हर बात, तो फटाफट जुड़िए बिस्तक के साथ। बजट तो आप हर साल देखते होंगे या फिर अगले दिन अखबार में पढ़ते होंगे, लेकिन क्या आपको हाल के वर्षों में कभी रेल बजट अलग से पेश होता दिखाई दिया है? आप कहेंगे कि नहीं, अब रेल बजट तो आता ही नहीं। फिर आपको याद आएगा कि कभी तो आम बजट आने के चंद रोज पहले रेल बजट अलग से आता था। कितनी रेलें नई चली, कौन से नए स्टेशन पर कौन सी ट्रेन रुका करेंगी, ट्रेनों में क्या सुविधाएं मिलेंगी, ये सब ब्यौरा आपको तफसील से इस रेल बजट में मिला करता था। यानी रेल विभाग की इतनी अहमियत थी कि सरकार को उसके लिए अलग से बजट लाना पड़ता था। बात सही भी थी, क्योंकि हर दिन हजारों लोग रेल से सफर करते हैं। लेकिन फिर ये खत्म क्यों हो गया और अब रेल बजट का स्टेटस क्या है, इन्हीं सब बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, मैं हूँ ईशा मालवी और आप देख रहे हैं बिस्तक। पहली बात, रेल बजट को साल 2017 में आम बजट के साथ मिला दिया गया, यानी रेल बजट खत्म नहीं हुआ बल्कि इसे भी सरकार के आम बजट में मिला दिया गया। खैर, 2017 में रेल बजट को आम बजट में मर्ज किए जाने के साथ ही ब्रिटिश सरकार की अलग से रेल बजट लाने की साल 1924 में शुरू की गई प्रैक्टिस को भी खत्म कर दिया गया। साथ ही साथ 93 साल से अलग से रेल बजट लाने की परंपरा खत्म हो गई। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो हुआ दरअसल यूं कि योजना आयोग को खत्म कर बनाए गए नीति आयोग ने एक श्वेत पत्र पेश किया था। इस व्हाइट पेपर में कहा गया था कि अलग से रेल बजट को लाने की कोई जरूरत नहीं है। इस सिफारिश को तब के रेल मंत्री सुरेश प्रभु के सामने पेश किया गया। तब प्रभु ने इस बाबत एक चिट्ठी उस वक्त के वित्त मंत्री यानी अरुण जेटली को लिखी और उसमें कहा कि रेलवे बजट और आम केंद्रीय बजट को मिला दिया जाना चाहिए। इसमें तर्क ये दिया गया कि ऐसा करने से रेलवे और भारतीय अर्थव्यवस्था दोनों को काफी फायदा होगा। इसके बाद अरुण जेटली ने इस मसले को साल 2016 में राज्यसभा में उठाया, साथ ही दोनों बजटों को मर्ज करने के लिए एक खास कमेटी बना दी। बाद में 2017 में अरुण जेटली ने आम बजट के साथ ही रेल बजट भी पेश किया और इसके साथ ही अलग से रेल बजट लाए जाने की परंपरा खत्म कर दी गई। नीति आयोग की सिफारिश में कहा गया था कि गुजरे वर्षों में रेलवे बजट काफी छोटा हुआ है और ऐसे में एक अलग से रेल बजट की कोई जरूरत नहीं है। इस सिफारिश में यह भी कहा गया था कि साल 1924 में अंग्रेजों ने अलग से रेल बजट लाने की परंपरा इस वजह से शुरू की थी क्योंकि सरकार रेवेन्यू और देश की GDP का एक बड़ा हिस्सा तब रेलवे की कमाई पर टिका करती थी। आप ये जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि हाल के दौर में भारत एक लौता ऐसा देश था जहां रेलवे बजट अलग से पेश किया जाता था। खैर, ये तो बात अलग से रेल बजट को लाने की प्रैक्टिस को बंद करने की थी। अंतरिम बजट साल 2024-25 में इंडियन रेलवे के ग्रॉस बजटरी एलोकेशन को 5.8% बढ़ाकर 2.55 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे पहले साल 2023-24 के बजट में रेलवे के लिए 2.43 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। बजट में रेलवे के लिए हुए इस बड़े आवंटन से साफ हुआ है कि सरकार रेलवे पर कितना फोकस कर रही है। इस साल के पूर्ण बजट में बड़ा फोकस रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इन्वेस्टमेंट पर रह सकता है। आपको पता है कि साल 2017 में जब रेल बजट अलग से पेश होना बंद हुआ तब रेलवे के लिए 55,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया जाता था। साल 2022 में रेलवे का बजट बढ़ाकर 1.4 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। यानी इस दौरान सरकार का रेलवे बजट पर फोकस बढ़ा है। अब इस पे आगे देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस साल के बजट में क्या कुछ रेलवे के लिए आवंटित करती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बिजनेस जगत की तमाम जानकारियों के लिए बिस्तक के साथ बने रहिए। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।